ये हम वोट डाल के आ चुके हैं, मेरी लाइफ का पहला वोट अभी तक मैंने वोट डाला, देखिए उसको देख सकते हैं आप। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हमारा इलेक्शन का बनने वाला है। आज 4 मई है और हमारे यहाँ इलेक्शन है चेयरमैनी के और मेमरी के। तो मैं इस बार पहली बार, मैं 26 साल का हो चुका हूँ, अभी तक मैंने कोई वोट नहीं डाले हैं, ना विधानसभा की, ना मैंने अभी चेयरमैनी कभी भी वोट नहीं। इस बार मेरी लाइफ का फर्स्ट वोट होगा, फर्स्ट वोटिंग होगी, इसलिए मैं चलता हूँ। आज वोट डाल के आते हैं, आपको दिखाते हैं बिल्कुल। आपको आप जो है वीडियो में बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। तो फ्रेंड्स, साथ में हमारी दादी जाने वाली हैं और मैं दादी को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि दादी हमारी 90+ एज की हो चुकी हैं, फिर भी हम उनको वोट डालने जा रहे हैं। तो फिर चलते हैं कंटिन्यू। हमारा छोटा भाई आ चुका है, देखिए बिल्कुल, हम और छोटा भाई बिल्कुल दादी को लेके वोट डालने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं वहाँ का नज़ारा क्या होने वाला है, कितनी भीड़ है, क्योंकि तो दोपहर हो चुकी है, शायद भीड़ काफ़ी होगी, शायद लाइन में भी लगना पड़ सकता है, देखते हैं कितनी भीड़ होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला है, देखते हैं वोट कैसे डालती। मैंने तो कभी भी अभी वोट नहीं डाला है, इस बार का मेरा फर्स्ट वोटिंग होगी, तो देखते हैं क्या नज़ारा होने वाला है वहाँ का। तो देखिए अभी कुछ लोग बाइक से, कुछ पैदल वोटिंग के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत से लोग ये वोट डाल के आ रहे हैं, हमारे दादाजी निकल चुके हैं, अम्मा भी आई, देखो ये हमारी अम्मा निकल चुकी हैं वोट डाल के। चलते हैं देखते हैं क्या नज़ारा होने वाला है। देखो यहाँ पे जो मेमोरी हैं इन लोगों के, अपने अपने स्टॉल लगे हुए हैं, ये देखिए यहीं से स्टार्ट है, जिसको जैसे जो पर्ची लेनी हो, दे देखिए ये पर्ची निकाल निकाल के दे रहे हैं। ये हमारे छोटे भाई वोट डाल चुके हो, वोट डाल दिया, तो कब डालोगे? वोट डालना चाहिए, अधिकार है तुम्हारा, वोट डाल के आओ जल्दी से। ये देखिए हमारे भाई आ चुके, इधर आइए भाई, वोट डाल, वोट डाल देंगे, बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहला वोट था हमारा चेयरमैन, अरे हमारा भी पहला वोट, अभी जाके डालते हैं, अब क्या कर है बोल दो। अंकल जी क्या लगा, लाओ इधर लाओ, ये देखिए हमारे मेंबर साहब खाना बंटवा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया है, गरम गरम पूड़ी है, पता नहीं क्या होगा अंदर, शायद सब्जी पूड़ी है इसमें, बढ़िया। जिसको भूख लग रही है वो देखिए, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं हमारे अंकल जी। ये देखिए हमारे फ्रेंड्स सारे खाना खा रहे हैं, इनको भूख लग रही है, अभी अंकल जी हमारे खाना दे गए हैं। तो भाई साहब मज़ा आ रहा है यार ये रोटी में, देखो हमारे भाई साहब हाय कर रहे हैं। फ्रेंड्स चलते हैं, खाना का मज़ा लेते हैं। तो फ्रेंड्स से देखिए बिल्कुल सारे लोग पर्ची धरे आगे की दे दे जीवा वोट डाल के आ रहे हैं, की धरे तुम, देखिए भाई सारे लोग वोट डाल के आ रहे हैं, हम भी जाके देखते हैं। ये देखिए अपने रवि भाई, और रवि भाई बाय बाय क्लीन। तो फ्रेंड्स हमारे वोट इस स्कूल में डर रहे हैं, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में। तो फ्रेंड्स अंदर मोबाइल तो नहीं ले जाने दे रहे हैं, ये हमारे मेंबर साहब हैं मलयाने के वीरू भैया, और भैया खाना खाओगे? ये देखिए वेदु भैया हैं हमारे, भैया एक बार हाय कर दो। ठीक है फ्रेंड्स जाते हैं वोट डाल के देखते हैं, अंदर मोबाइल नहीं ले जाने दे रहे हैं, काफ़ी सख्त पैरा है, मजिस्ट्रेट वगैरह है। चले फ्रेंड्स चलते हैं, टिकट ले लाओ, कभी कोई खा ले कभी इससे पहला।
देखिए फ्रेंड्स, मार्केट की वोटिंग चल रही है यहाँ पे, देखिए काफ़ी सारी भीड़ है। अरे फाइनली फ्रेंड्स, देखिए ये हम वोट डाल के आ चुके हैं, मेरी लाइफ का पहला वोट अभी तक मैंने वोट डाला है, देखिए बिल्कुल देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, तो मैं जैसे कि बताना चाहता हूँ कि संविधान ने हम लोगों को अपना मन का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप किसी के लालच में ना आएँ और हमेशा सतर्कता से अपने मन का, जो भी अपने पसंद का प्रतिनिधि आपको अच्छा लगता है, उसको वोट दें और वोट अवश्य दें, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है, संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोगों को मैं यही मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि वोट अवश्य है, वोट हम लोगों का अधिकार है और हम लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। उंगली दिखाइए भाई, कहाँ लगाए वोट, उंगली दिखा। देखो हमारी दादी हैं, ये 90 प्लस की हो चुकी हैं और अभी वोट डाल के आई हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे बड़े बड़े भाई साहब लोग हैं और अभी इलेक्शन चल रहा है, अभी मैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, अभी इलेक्शन है, मैं वोट डाल के आ चुका हूँ, ये देखिए हमारा वोट है, हमारे भाई साहब, हमारी सारे भाई साहब भी वोट डाल चुके हैं। भाई साहब देखो भाई, हमारे बड़े बड़े भाई साहब भी वोट डाल चुके हैं। भाई साहब, आप लोग बताना चाहते हैं मतलब कहाँ वोट डाला है? वोट तो देना है, वोट में मतदान है, मतदान रहता है, मतदान होता है इसमें किसी का। चलिए, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या सुझाव देना चाहती है कि मतलब सब लोगों को वोट देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अधिकार दिया है, वोट डालना हमारा अधिकार है, अपने पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है, अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, तो बनाने का समय है, इसलिए सभी लोग मतदान अवश्य करें। भाई साहब, आप भी थोड़ा सा टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों और सही थोड़े सोच हैं, ठीक है, जो पढ़ा लिखा है उसे करो, मतलब सोच के करो, सोच समझ के। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि चुनाव मतदान जरूर करना चाहिए, मतदान हमारा अधिकार है और सोच समझ के करना चाहिए, सही पढ़ी लिखी सरकार को, जो हमारे प्रतिनिधि हमारा विकास कर सके, हमारा ध्यान रख सके, हमारे गांव को विकास की राह पर ले जा सके, ऐसे प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है, ऐसा प्रतिनिधि हम लोग को चुनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, एक बार हाय कर दीजिए, ठीक है भाई साहब, हाय। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।